सोशल मीडिया में विद्यालय के अंदर घुसकर मारपीट करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर तलाश शुरू की है। मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ तो अब आरोपी बनाए गए पीयूष विश्वकर्मा का भाई विनीत विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अपने भाई का बचाव करते हुए बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है, जिसका उपचार रीवा के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मिश्रा के यहाँ चल रहा है। आरोपी के भाई ने बताया कि 15 अगस्त को विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया था, जहां डीजे बज रहा था। उत्सुकता बस वह कार्यक्रम देखने चला गया था, जहां उसके भाई को स्थानीय लोगों ने उकसाया और शिक्षकों ने भी उसके साथ मारपीट की। लेकिन पुलिस शिक्षक की शिकायत पर उसके भाई के खिलाफ गोविंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वहीं परिवार वालों को भी परेशान कर रहे हैं। आरोपी पीयूष विश्वकर्मा के भाई ने उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। आइए दिखाते हैं किस तरह से आरोपी ने मारपीट की थी, अब उसी के भाई ने बचाव में क्या कहा है। बताइए क्या नाम है, कहां से हैं, क्या? मेरा नाम विनीत विश्वकर्मा है, मैं ग्राम गढ़वा गढ़वा से आया हूँ, निवासी वहाँ का। मतलब यहाँ मैं ऑफिस भी आया हूँ, रिपोर्ट करने आया हूँ, वो शिकायत करने आया हूँ कि इसका अच्छे से जांच किया जाए। क्या घटना हुई थी? ये घटना सर, ये डीजे से मामला हुआ है। मेरा भाई मतलब मानसिक रूप से पागल है और उसी लिए मतलब डीजे से संबंधित विवाद हुआ है। जी सर, अब उसको मतलब हमें भर्ती करवा दिया हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पुलिस मतलब वहाँ सर लोगों के हिसाब से झूठी वो लिखवा कर कि ये मुजरिम फरार है। अब मेरे घर को और मुझे मतलब परिवार में परेशान करते हैं। कौन ये परेशान कर रहा है? ये सर टीचर लोग के द्वारा करवाया जा रहा है, पुलिस द्वारा, चौकी थाना से। कौन सा गाँव का है ये? ये दूबी गढ़वा का है।